Sunday story, prank, Gandarbal, कश्मीर। ये सिंध नदी बह रही है, सोनमर्ग से ग्लेशियर से पिघलती हुई पानी आगे चलता जा रहा है और यहाँ आके एक कहानी बुद्धा की याद। बुद्धा के सारे अनुयायी बैठे थे और उनमें से एक ने पूछा कि ये कर्म क्या होता है। तो बुद्धा ने कहा, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ, तुम जान लोगे कि ये कर्म ये कर्मा क्या होता है। कहता, एक राजा थे, एक दिन अपने राज्य में भ्रमण पे निकले हाथी पे और एक दुकान पे रुके और अपने मंत्री को बोले, इस दुकानदार को फांसी चढ़ा देनी चाहिए। और हाथी में बैठ के सवारी आते चल पड़ी। वो मंत्री पूछ भी नहीं पाया कारण फांसी का और सारा दिन सोचता रहा और अगले दिन भेष बदल कर उस दुकानदार के पास फिर दोबारा से आया। और दोबारा जब आया तो उनसे पूछा, भाई तुम्हारा ये काम कैसा चल रहा है? तो दुकानदार बोला, मेरा चंदन की लकड़ी का काम है और काम अच्छा चल नहीं रहा। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं मेरी चंदन की लकड़ी का, खुशबू सूंघते हैं और बिना खरीदे आगे चले जाते हैं। मगर मुझे ये पता है कि जब राजा की मौत होगी तो यह चंदन की लकड़ी काफी सारी चाहिए होगी और उस समय मेरा काम हो जाएगा। और वो मंत्री सुन के हैरान तो हुआ और उसने सोचा, क्या पता राजा को ये बात पता है कि ऐसा सोचता है। और मगर फिर भी उसने अपने मंत्री होने का एहसास नहीं कराया दुकानदार और उससे पूछा, ये चंदन कितने की होगी, पैसे दिए? और बैग करा के राजा के पास गए और राजा को बोला कि ये चंदन की लकड़ी की दुकानदार ने आपके लिए तोहफा भेजा है। और राजा ने जब वो तोहफा खोला तो बहुत सुंदर चंदन की लकड़ी और उसमें बहुत अच्छी मेल थी। तो राजा ने कहा, मैं इसके दुकानदार के बारे में इतना बुरा सोच रहा था कि इसको फांसी चढ़ा दी जाए, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था। और राजा ने मंत्री को कुछ सोने के सिक्के दिए कि जाके ये इकलौता चंदन की लकड़ी का दुकानदार जो है उसको ये दे। और अगले दिन मंत्री फिर दोबारा से उसी दुकान पे पहुंचे और अब उन्होंने असलियत में बता दिया कि उस दिन राजा आए थे और मैं उनका मंत्री हूँ, जो तुमने तोहफा दिया था मैंने राजा को दिया और राजा ने तुम्हारे लिए ये सोने के सिक्के भेजे। तो दुकानदार भी सोचने लगा कि मैं राजा की मौत के बारे में अपने स्वार्थ की वजह से ऐसे ही सोचता रहा, राजा तो हमारा बहुत अच्छा है जिसने मुझे थोड़ी सी चंदन की लकड़ी के लिए इतने सारे सोने के सिक्के दे दिए, मेरी तो गरीबी दूर हो जाएगी। और ये सुना कि बुद्धा अपने अनुयायियों से पूछने लगे, बोलो तुम बोलो क्या है कर्मा? तो कुछ ने कहा ईड, कुछ ने कहा ड्रीम, कुछ ने कहा कि जो हम सोचते हैं या करते हैं वो कर्मा, एक्शन कर्मा है। और बुद्धा बोले, नहीं, अगर आप किसी के लिए पॉजिटिव सोचते हो तो वो पॉजिटिव सोच या पॉजिटिव कर्म तुम्हारे पास वापस लौट आते। अगर तुम किसी के लिए नकारात्मक सोच रखते हो तो वो नकारात्मक सोच तुम्हारे पास वापस आ जाती है और यही है कर्मा। कर्मा, मोरल ऑफ द स्टोरी इज,
अगर आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो पॉजिटिव कर्मा, अगर नेगेटिव विचार होंगे तो नेगेटिव कर्मा होंगे। और आज की इस कहानी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मुनीर खान का, जो कि किडनी हॉस्पिटल श्रीनगर में है और मुझे इस जगह पर गंदरबल में पिरान में लेकर आए जहाँ सिंध की नदी बह रही है। और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा से कि जिंदगी बहुत खुश रहे, अच्छी सेहत रहे और सबको ये खुशियां बांटते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।